अब हम पढ़ेंगे एक ऐसे लॉ के बारे में जिसने मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव रखी। वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये लॉ दिया था एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर ने इस लॉ को दिया। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। इस लॉ को समझते हैं अच्छे से, तो इसका मतलब है कि एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड का जो मास होगा वो इक्वल होगा। और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है वो हमारे पास में 16 ग्राम ऑक्सीजन है। ये फॉर्म करता है 18 ग्राम वाटर। अब यहां पर हम देखें 16 + 2 18 ग्राम होता है। अगर मान लीजिए यहां पे ये 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम मिल करके अगर ये 17 ग्राम बना रहा होता वाटर, तब क्या होता? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। ये एक रिवॉल्यूशनरी टर्म था 18वीं शताब्दी में जब इन साइंटिस्ट के द्वारा इसको दिया गया। यानी कि रिएक्टेंट के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें किसी भी मास का लॉस नहीं होगा, यानी मास खत्म नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पे मान लिया जाए 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन होती और मास इंक्रीज हो जाता और वो बन जाता मान लीजिए 19 ग्राम, तब भी क्या होता? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। यानी कि हमने यहाँ से क्या सीखा कि रिएक्टेंट साइड में जो मास होगा उनका सम प्रोडक्ट साइड में हमको देखने को मिलता है। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।